हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो स्पार्क गो फोन है, तो टेक्नो स्पार्क गो फोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की थीम गैलरी पे जाकर थीम्स वगैरह को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और थीम्स को डाउनलोड करके कैसे आप चेंज कर सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो फोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि थीम्स वगैरह को डाउनलोड करके आप चेंज कैसे कर सकते हैं और थीम्स को डाउनलोड करके कैसे बदल पाएंगे टेक्नो फोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि थीम्स को डाउनलोड करके कैसे चेंज करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर इसमें आपके पास ऑप्शन आता है सेटिंग्स थीम गैलरी का, थीम आइकन गैलरी पे चले जाना है। तो इस पे जाकर जो भी थीम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके पास थीम का ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाना है। तो डिफरेंट टाइप के थीम्स आपको इसमें मिल जाएंगे, इतने थीम्स मिल जाते हैं। तो इसमें आप कैटेगरी थीम्स पे भी जा सकते हैं, आप नेचुरल थीम्स भी डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई भी नेचुरल थीम्स। तो हमें वाला थीम से बढ़िया लग रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इस तरीके से आपका लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन शो करता है आपके फ़ोन में। तो इस तरीके से भी थीम्स को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी थीम्स आपने डाउनलोड कर लिया है। तो इसको इंस्टॉल करके आपको सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा थीम्स एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग। तो इस पे जाकर जो भी आपके फ़ोन का थीम्स है उसको डाउनलोड करके भी आप चेंज कर सकते हैं। तो माय थीम गैलरी पे जाना है, तो माय थीम गैलरी पे जाकर जो भी थीम्स है इस पे जा सकते हैं और थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पे जाकर थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से जो भी थीम्स आपने डाउनलोड कर रखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके बदल सकते हैं। तो इस तरीके से भी थीम्स को डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं टेक्नो स्पार्क गो फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।